माननीय राष्ट्रपति महोदय, केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा प्रदत्त 2015 का हिंदी सेवी सम्मान समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार, अब हम राष्ट्रपति महोदय द्वारा दिए जाने वाले प्रशस्ति पत्र ग्रहण करने के लिए पुरस्कृत विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम गंगा शरण सिंह पुरस्कार हेतु इस पुरस्कार के लिए आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर एस शेषारत्नम। डॉक्टर एम गोविंद राजन, प्रोफेसर हरमहेंद्र सिंह बेदी, प्रोफेसर एच सुवदनी देवी, दूसरा पुरस्कार गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, इस पुरस्कार के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री बलदेव भाई शर्मा। श्री राहुल देव, तीसरा पुरस्कार आत्माराम पुरस्कार, इस पुरस्कार के लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर गिरीश चंद्र सक्सेना। डॉक्टर फणी भूषण दास, चौथा पुरस्कार सुब्रह्मण्य भारती पुरस्कार है, इसके लिए आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित। श्रीमती चंद्रकांता, पांचवा पुरस्कार महापंडित राहुल संकट्यायन पुरस्कार, इसके लिए आमंत्रित करती हूँ श्रीमती चित्रा मुद्गल।
डॉक्टर जयप्रकाश कर्दम। छठा पुरस्कार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन पुरस्कार, इसके लिए आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर फुजी ताकेशी जापान से। प्रोफेसर गब्रिएला निक इलिएवा यूएसए। सातवां पुरस्कार पद्म भूषण डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार, इसके लिए आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी नीदरलैंड से। डॉक्टर पद्मेश गुप्त यूके। आठवां पुरस्कार सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार, इसके लिए आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर बी आर छिपा। श्री दया प्रकाश सिन्हा। दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार, इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा। डॉक्टर राकेश सिन्हा। दसवां पुरस्कार स्वामी विवेकानंद पुरस्कार, इसके लिए आमंत्रित करती हूँ श्री श्रीधर पराडकर। डॉक्टर श्री रंजन सूरीदेव। ग्यारहवां पुरस्कार पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार, इसके लिए आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर नित्यानंद पांडे। श्री जगदीश प्रसाद सिंघल।
12वां पुरस्कार राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार। इसके लिए आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर शिवदत्त शर्मा। प्रोफेसर अशोक कुमार शर्मा। माननीय राष्ट्रपति महोदय, 2015 का हिंदी सेवी सम्मान समारोह पूर्ण करने की अनुमति प्रदान कीजिए।